भाजपा विदेशी कंपनियों से पैसा ले रही थी और आदेश दिया कि इनका प्रोसिक्यूशन होना चाहिए, तब फिर प्रोसिक्यूशन करने के बजाय ये बदलाव फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट में कर दिया गया। दो बदलाव इस साल हुए। वैसे भी ज्यादातर पार्टियां हजारों करोड़ रुपया काला धन ले लेती थी और बताती थी कि हमको 20-20 हजार से कम हमने चादर फैलाई और लोगों ने उसमें 100 रुपए, 200 रुपए, 500 रुपए डाल दिए और हमको 10,000 या 2,000 करोड़ रुपया चंदा मिल गया, क्योंकि उसको डिक्लेयर नहीं करना होता। लेकिन जो पैसा 20,000 से ज्यादा आपको मिलता है उसको डिक्लेयर करना होता है कि किसने पैसा दिया। इस साल उन्होंने एक संशोधन और कर दिया कि कितना भी पैसा कोई भी जना या कोई भी कंपनी पॉलिटिकल पार्टियों को इलेक्टोरल बॉन्ड के द्वारा दे सकती है, जिससे किसी को यह ना पता लगे अगर कोई जना घूस के तौर पर भी 100 करोड़ रुपए भाजपा को देता है, इलेक्टोरल बॉन्ड के द्वारा देता है, तो किसी को पता नहीं लगेगा कि किसने पैसा दिया और घूस के तौर पर दिया गया है। पहले 7.5% अपने प्रॉफिट के 7.5% से ज्यादा कोई कंपनी किसी पॉलिटिकल पार्टी को डोनेशन नहीं दे सकती थी, उसको भी बदलकर वो लिमिट हटा दी गई कि कोई भी कंपनी कितना भी पैसा पॉलिटिकल पार्टियों को दे सके। तो पैसे का बोलबाला जो चुनाव में कम होना चाहिए था, कम होने के बजाय उसको और बढ़ाया जा रहा है। गणतंत्र, हमने गणतंत्र स्थापित किया था कि हर नागरिक के कई मौलिक अधिकार होंगे, अपनी राय रखने के, कहीं पर जाकर मीटिंग कर लेने के, किसी के साथ भी मिलने का। लेकिन आज उन सब मूल्यों पर, सारे मौलिक अधिकारों पर हमला किया जा रहा है। जो जना सरकार के खिलाफ, मोदी के खिलाफ, योगी के खिलाफ बोलता है, उसके खिलाफ सेडिशन का केस बनाकर उसको गिरफ्तार कर लिया जाता है। कई कई जगह ये हो रहा है। अगर कोई जना, कोई हिंदू है, कोई मुसलमान से शादी कर ले तो उनको मारपीट करी जाती है, उनको भी कई बार जेल में बंद कर दिया जाता है लव जिहाद के नाम पर। पहले हम कहते थे जब इमरजेंसी हुई थी, इमरजेंसी के दौरान हमारे लोकतंत्र को खतरा था, लेकिन आज तो हमारी सभ्यता को ही बहुत बड़ा खतरा हो गया है। ऐसी सभ्यता यहां पर ये भाजपा और आरएसएस वाले चला रहे हैं जिसमें गाली देना, झूठ फैलाना, मारपीट करना, ये सब उनके बड़े जो लीडर हैं उनका, ये सब उनका जो एक सोशल मीडिया का तंत्र है जिसके कि लीडर खुद प्रधानमंत्री मोदी जी हैं, उनके द्वारा इस तरह का कल्चर फैलाया जा रहा है। यूनिवर्सिटियों के ऊपर बहुत बड़ा हमला हो रहा है। जेएनयू में प्रोफेसर का चयन के लिए जो इंटरव्यू कमेटी बनाई गई, उसमें इंटरव्यू कमेटी में प्रोफेसरों के चयन के लिए लोगों से यह पूछा जा रहा है कि तुमको गौशाला के बारे में क्या आता है, तुम गौशाला चलाना जानते हो कि नहीं जानते हो। यानी यूनिवर्सिटियों में जो भी ऐसी संस्था मानी जाती है, जैसे जेएनयू है, बीएचयू है, जहां पर सोच बढ़ाई जाती है, जहां पर यह सिखाया जाता है कि कोई चीज, कोई जना बस बोले तो उसको मान ना लो, उससे सवाल पूछो जिससे कि सच्चाई सामने आए, जिससे कि जो उसका अच्छा निष्कर्ष है वो निकले। लेकिन यहां तो सोचने की क्षमता पर भी हमला हो रहा है और सब लोगों को यह बताया जा रहा है कि भाई जो भी तुम्हारा लीडर बोले, अगर बोले कि यहां जाकर इनके घर जला दो, इसको मारपीट कर दो, तो वही तुम करो, उससे सवाल मत पूछो कि भाई ये तुम क्यों कह रहे हो। दूसरे लोगों के प्रति, दूसरे धर्मों के प्रति नफरत फैलाई जा रही है।
तो इसीलिए मैं कहता हूं कि आज सिर्फ लोकतंत्र ही नहीं, इस देश की पूरी सभ्यता खतरे में है। और इसलिए आज का ये जो प्रोग्राम है इसका बहुत बड़ा महत्व है, क्योंकि अगर हमको इस देश को इस संकट से उभारना है, इस संकट से निकालना है और वैसा देश बनाना है जैसे हमने कल्पना करी थी जब हमने संविधान बनाया था, जहां पर सब लोगों को न्यूनतम डिग्निटी की जिंदगी जीने के लिए सब चीजें उपलब्ध हों, शिक्षा उपलब्ध हो, स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध हो, अच्छी ठीक ठाक रहने की जगह उपलब्ध हो, नौकरियां उपलब्ध हों, वैसा समाज हम बना सकें, इसके लिए आज सबसे बड़ी जरूरत है कि हमारे युवा पीढ़ी में से एक लीडरशिप खड़ी हो जो इस देश की लीडरशिप को अपने हाथ में ले सके और इस देश को उस तरफ ले जा सके जो जब हमने संविधान बनाया था और जो उसकी कल्पना करी थी। युवा पीढ़ी क्यों महत्वपूर्ण है? क्योंकि युवा पीढ़ी के सामने उनकी पूरी जिंदगी है। देखिए, हम लोगों ने तो अपनी ज्यादा जिंदगी हम लोग निकाल चुके हैं, लेकिन युवा पीढ़ी के सामने अपनी पूरी जिंदगी सामने है। सबसे बड़े स्टेक होल्डर इस देश के भविष्य में हमारी युवा पीढ़ी है। दूसरी बात, युवा पीढ़ी के पास सबसे ज्यादा ऊर्जा होती है, सबसे ज्यादा ताकत होती है। तीसरी बात, युवा पीढ़ी के पास सबसे नए नए आइडियाज होते हैं। और आज मुझे ये देखकर बहुत ही खुशी है कि इस देश में ऐसा युवा नेतृत्व उभर रहा है जिसके जिनको इस देश की बड़ी समस्याओं के बारे में भी अच्छी समझ है। इस तरह के लोग जैसे जिग्नेश मेवानी, कन्हैया कुमार, अखिल गोगोई, शैला रशीद, ऋचा सिंह और अनेक जिन लोगों को आज हमने सुना, अनेक ऐसे युवा पीढ़ी के नेता आज इस देश में उभर रहे हैं। और आज इस देश की जरूरत यह है, देखिए हमारी पीढ़ी के लोगों ने तो इस देश को फेल कर दिया, हमारी पीढ़ी के लोगों ने इस देश को फेल कर दिया। इस वजह से हम इस मुकाम पर आज खड़े हैं जहां हमारी सभ्यता ही खतरे में है। इसलिए ये जरूरी है कि आज जो आज की यहाँ की युवा पीढ़ी है इसमें एक नेतृत्व उभर कर आए और आज इस देश में एक युवा और स्टूडेंट्स का आंदोलन, बड़ा आंदोलन खड़ा हो जो इस देश को उस तरफ ले जाए जो हमारी संविधान ने परिकल्पना करी थी, और जो उस तरफ ले जाए जहां नफरत की राजनीति के बजाय प्यार की राजनीति हो, जहां लोगों को लड़ाने के बजाय लोगों के साथ कोऑपरेट करके आगे देश को बनाने की बात हो, जहां देश में समता हो, इतना ज्यादा फर्क ना हो, आर्थिक फर्क ना हो, दूसरे फर्क ना हो, जो हमारे पर्यावरण के लिए सस्टेनेबल हो, ऐसा समाज बनाने की जरूरत है। और जहां सब लोगों को वो न्यूनतम चीजें उपलब्ध हो सके जो एक डिग्निफाइड जिंदगी चलाने के लिए जरूरत होती है। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि वो अब समय आ गया है कि इस देश में एक नया नेतृत्व, युवा नेतृत्व खड़ा होगा, इस देश में एक युवा आंदोलन खड़ा होगा। और वो दिन जरूर आएगा जब कमाने वाला खाएगा, लूटने वाला जाएगा और नया जमाना आएगा। जय हिंद, जय भारत।